सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास। मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि जब आपका बैंक किसी कारण से बंद हो जाता है, उसको दोबारा से ओपन करवाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, जो कि इस वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो को स्किप ना करें। और अगर मेरा चैनल पहली बार आए तो मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी जान पाए कि एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है बंद खाते को चालू कराने हेतु। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर। दोस्तों, जैसा कि हम फ़ोन की स्क्रीन पर आ गई है एक एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन जब लिखते हैं, जब हमारा बैंक किसी कारण से बंद हो जाता है, उसको दोबारा ओपन करवाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, जो कि इस वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को स्किप ना करें। सो चलते अपने टॉपिक के इधर। सो आपको लिखना है पहले सेवा में, लिखने के बाद आपको यहाँ पर कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद आपको एक लाइन छोड़ देनी है। छोड़ने के बाद आपको ऐसा लिखना है श्रीमान शाखा प्रबंधक। ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे अपना बैंक का नाम लिख देना है, जो भी आपका बैंक का नाम हो, जैसे भारतीय स्टेट बैंक, सिंडिकेट बैंक, जो भी आपका बैंक का नाम हो, यहाँ पे बैंक का नाम लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पर अपना पता यहाँ पर बैंक का पता लिख देना है, कहाँ पर आपका बैंक है। यह लिखने के बाद आपको यहाँ पर विषय लिखना है। विषय लिखने के बाद आपको ये लिखना है बंद खाते, मतलब बंद खाते लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर लिख देना है। लिखने के बाद आपको को चालू कराने हेतु, मतलब ये विषय है हमारा कि बंद खाते को चालू कराने हेतु एक पत्र लिखना है। लिखने के बाद आपको सिंपली महा से लिखना है। महा से लिखने के बाद आपको कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है सविनय निवेदन है कि मैं, यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है आपके बैंक का एक खाताधारी था, किसी कठिनाइयों के कारण मैं आपके बैंक का सदस्य नहीं रह पाया और मुझे अपना खाता बंद कराना पड़ा। ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना अब मैं फिर से अपने खाते को चालू करवाना चाहता हूँ, ताकि बैंक की सुविधाओं का लाभ ले सकूँ। ये लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है। छोड़ने के बाद आपको सिंपली इस तरह से लिखना है अतः आपसे निवेदन है कि आप हमारे खाता को फिर से चालू करवा दें, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। ये लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़ देनी है। छोड़ने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है आपका विश्वासी। लिखने के बाद आपको फिर एक लाइन छोड़ना है। छोड़ने के बाद यहाँ पे नाम लिख देना है, यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख देना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देना है, यहाँ पे दिनांक लिख देना है, यहाँ पे अपना सिग्नेचर लिख देना है। सिग्नेचर कर देना है यहाँ पे, पहले यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर, यहाँ पे जिस व्यक्ति का बैंक का पासबुक है वहाँ पे अपना नाम लिख देना है। जैसे कि मैं सिंडिकेट बैंक में मेरा नाम है, तो यहाँ पे अपना नाम लिख दूंगा। लिखने के बाद यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिख देना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देना है, यहाँ पे दिन लिख देना है किस दिन आप ये एप्लीकेशन दे रहे हैं, यहाँ पे वो डेट लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पे अपना सिग्नेचर लिख देना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। सो इस अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप आके डाउनलोड कर सकते हैं। सो धन्यवाद। Maybe I can't get anybody out there, yeah.